नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी विन प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों हम कवर करने वाले हैं आईसीसी में टी20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालीफायर्स का मैच नंबर 9, जो कि दोस्तों अब खेला जाएगा म्यांमार वर्सेस चाइना टीम्स के बीच। डी प्लान करेंगे इस वीडियो में फुल स्टेप इन्फो। दोनों टीमों का एक एक प्लेयर के स्टैट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले मैचेस की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार लिंक और करना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realfwp, आपको फैंटेसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 23,800 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों मैंने आपसे कुछ पेइंग चैनल भी बने हैं, तो प्लीज़ आप उनसे सावधान रहिएगा। और यूजर नेम @realfwp देख के 23,800 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों बात करें मैच की, मैच मॉर्निंग में सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है व्यूमस ओवल कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर मैच खेला जाएगा। जी बात करें दोस्तों मैं कि पिच की, तो बैलेंस विकेट के हिसाब से अपनी टीम को क्रिएट करेगा। हालांकि दोस्तों इस राउंड के अंदर बॉलर्स को ही एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीम में से एक है। म्यांमार ने तो जो 3 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले हार किए, चाइना की टीम भी अपने 3 मुकाबले हार किया रही। तो इन दोनों टीम में कौन ज़्यादा टीम कमजोर है, आइए वो चीज़ पहले हम देख लेते हैं। तो जो म्यांमार ने 3 मुकाबले खेले, मलेशिया से म्यांमार का जब मैच हुआ था तो उसमें म्यांमार ने 35 रन किए थे, जब इनका थाईलैंड से मैच हुआ था तो 39 किए थे, और जब भूटान से मैच हुआ था तो उन्होंने 74 रन किए थे। अब आप चाइना के देखेंगे तो जो मलेशिया खेलते 23 रन बनाए थे, थाईलैंड से गए थे तो 26 रन बनाए थे, और भूटान से खेलते तो 48 रन बनाए थे। तो तीनों मैच में आप देखिए म्यांमार ने थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन किया है। तीनों मैच इनके मतलब आपस में जो पहली बार ये लोग खेल रहे हैं, लेकिन उसके पहले मलेशिया, थाईलैंड और भूटान से एक एक बार चाइना खेल चुका है, और उन्हीं तीनों टीम से एक एक बार म्यांमार खेल चुका है। तो क्लियर मतलब फेवरेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन म्यांमार की टीम तीनों टीम के अगेंस्ट थोड़ा सा बेहतर खेली है, तो आप उनके फेवर में टीम बना सकते हो। लेकिन हम 6-5 का कॉम्बिनेशन ही म्यांमार के फेवर में ट्राई करिएगा, क्योंकि मतलब दोनों का हाल लगभग सेम ही है, दोनों का ही बुरा हाल है। देखते हैं कि इसको पहली जीत मिलती है, लेकिन आपको तीनों मैचेस के स्कोर देख के तो क्लियर पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा एडवांटेज म्यांमार को जरूर है। स्टार्ट करते हैं म्यांमार से। इस टीम की तरफ से आप ओपनिंग करते हुए देखेंगे सावन हेटेड को उनके साथ ओपन करने आएंगे, हेटेड लिन ओ। यदि बात करें सावन की, जो राइट हैंड बैट्समैन है, जब तक 3 मैच खेले हैं 0-5 और 10 किया है। इसलिए स्पेल जो आखिर 3 मैच खेले थे वहाँ पर कुछ खास नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन में ट्राई करें। हेटेड लिन ओ की बात करें, लास्ट गेम में 3 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले, उसके पहले 5 रन किए, उसके पहले 4 किए, तो 3 मैच में उन्होंने कुल 4 ओवर की बॉलिंग कराई है। तो बहुत ज़्यादा बॉलिंग करेंगे नहीं, बैटिंग से आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, रोटेशन में ट्राई कर सकते हैं। कोको लिन थुक की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन जो 3 मैच हुए हैं 0-0 और 10 किया हुआ है, बॉलिंग करा नहीं रहे तो फिर एवरेज ऑप्शन हो जाते हैं। पी फाउ वाई की बात करें, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करेंगे, लास्ट गेम में 3 ओवर डाला, विकेट लेस रहा, उसके पहले 2 में 1 और 4 में 3 विकेट यहाँ निकाल था। लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स स्पेशल बॉलर मुझे बहुत अच्छे वैसे भी लगते हैं, तो मैं अपनी टीम इनको जरूर लेके जाऊंगा। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप बना सकते हो। 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग करेंगे, मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करेंगे। खिनाई की बात करें, इन्होंने एक ही मैच में बॉलिंग कराई है, बाकी के 2 मैच में बॉलिंग कराई नहीं है, तो सिर्फ एज ए प्लेयर ट्राई करें, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाएगा, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। बात करें दोस्तों यहाँ पे इस टीम के कीपर हैं ए नेंग थुन की, 10-3 और 19-3 मैच में किया हुआ है, एक आध रोटेशन में ट्राई कर सकते हैं, मिडल ऑर्डर बैटिंग करते हैं। हेटेड लिन ओंग की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम, लास्ट गेम में 4 ओवर डाले, विकेट लेस रहे, उसके पहले 4 में 0 और पहले गेम में 4 में 2 निकाला था। तो सबसे बड़ी बात, तीनों मैचेस में इन्होंने अपने 4-4 ओवर कंप्लीट किए हैं, तो आप इनसे 4 ओवर की पूरी बॉलिंग देखेंगे, थोड़ा बहुत बैटिंग से बैकअप दे सकते हैं, लेकिन उतने विकेट टेकिंग नहीं है, तो एज अ प्लेयर ही ट्राई करें। कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में जरूर बना सकते हो। इस टीम के जो कैप्टन है ना, थुया आउंग, इनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही जबरदस्त रहा 3 मैचेस में। लास्ट गेम में 10 रन की, 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला, उसके पहले 4 ओवर डाल के 2 विकेट निकालते और पहले गेम में 4 ओवर डाल के 2 विकेट निकालते, तो 3 गेम में टोटल 5 विकेट ले चुके हैं और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो कैप्टनसी के बहुत अच्छे ऑप्शन ये भी आपके लिए रहने वाले हैं। पैंग दानू की बात करें, लास्ट गेम में 4 ओवर 2 विकेट, उसको पहले 4 में 1 और 3 में 0, तो 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग आप इनसे भी देखने वाले हैं, तो आप इनको भी जरूर लेके जाइए। इस टीम के पास एक और प्लेयर है म्याट थू आउंग, जिन्होंने लास्ट गेम खेले थे, 1 ओवर कराया। आउंग कोको की बात करें, लेग ब्रेक बॉलर है, ये भी 1 ओवर ही डालते हैं, पहले गेम में जरूर 4 ओवर डाले, लेकिन आखिरी 2 गेम में सिर्फ 1 ओवर है, तो ये भी रिस्की रहेंगे। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 लास्ट मैच में म्यांमार का था, जो कि आपको फिर से इस मैच में देखने को मिल सकता है, और बैटिंग ऑर्डर भी लगभग यही रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस मैच की, जो हमारी दूसरी टीम रहने वाली है CHN की। तो दोस्तों यहाँ पे जो नीचे स्टेट्स मेंशन किए गए हैं इनके, मतलब जो 3 मैच अब तक हुए हैं उनके स्टेट्स हैं, और ऊपर जो स्टेट्स मेंशन किए गए हैं इनके मतलब इनके शंघाई चाइना के अंदर ही आता है, वहाँ पे 2023 में एक टूर्नामेंट हुआ था SCC T20 लीग, तो ऊपर उसके स्टेट्स मेंशन है, यदि आप लोग देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बहरहाल जो नीचे परफॉर्मेंस मेंशन है, तो अभी तो इन्होंने जो 3 मैच खेले हैं उसकी परफॉर्मेंस है,
तीन मैच खेले, तीनों हार के आ रहे हैं। इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे वही गुलहुल, उनके साथ ओपन करने आएंगे लियांग यांग वांग। यदि बात करें दोस्तों वे की, जो राइट हैंड बैट्समैन है, 15-8-7 किया हुआ है, विकेट कीपिंग सेक्शन से पिक कर सकते हैं, ठीक ठाक से ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पे लू यांग वांग की बात करें, 7-0-3 किया हुआ है, रिस्की पिक रहेंगे, आप छोड़ सकते हो। इस टीम के पास एक प्लेयर है जुआंग जेलिन, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। 2017 में जब एक बार चाइना की टीम मतलब कोई सीरीज खेली थी ओडीआई की, उसमें ये खेले थे, वहाँ पे इनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, और अभी भी यहाँ भी बिल्कुल भी कुछ खास नहीं है। 0-0-5 किया हुआ है, आप छोड़ भी सकते हैं, हालांकि कुछ खास पिक नहीं रहने वाले। नीचे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जी कुंडून, जो कि राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग लेकिन कर नहीं रहे यहाँ पे, जो तीन मैच खेले हैं 1-5-0 किया हुआ, आप इनको भी छोड़ सकते हैं। टियांग सेंगकुन इंपॉर्टेंट है, ऑलराउंडर है, राइट हैंड बैट्समैन है, मीडियम पेस डालते हैं, लास्ट गेम में लगभग 4 ओवर कराए, 1 विकेट निकाला, उसको पहले 2 में 0 और 2 में 1, तो 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग करते हुए देखेंगे, बैटिंग का बैकअप देंगे, तो आप इनको जरूर लेके जाइए, एक अच्छे ऑलराउंडर रहने वाले हैं। जुआंग चेन की बात करें, लेफ्ट आर्म चाइना में, लास्ट गेम में विकेट लेस रहा है, उसको पहले 1 ही बॉल डाली थी, मतलब देखिए ठीक ठाक से देखें, आप एज ए प्लेयर रखिए, सीबीसी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि शुरुआत के जो 2 गेम खेले थे ना, वहाँ पर ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराई थी। वांग क्यू की बात करें, लास्ट गेम में 2 में 0, उसके बाद 2 में 1 और 2 में 1, तो 2 ओवर के आसपास आप इनसे बॉलिंग देख सकते हैं, तो आप इनको भी चाहो तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। डेंग जिंकी की बात करें, लास्ट गेम में 8 रन नॉट आउट किए थे, 2 ओवर डाले, विकेट लेस रहे, 2-3 ओवर ये भी डाल सकते हैं, तो ये भी ठीक ठाक से पिक रहने वाले हैं। जोंग यहाँ पे चौ की बात करें, आप इनको छोड़ सकते हैं, लास्ट गेम खेलते 6 रन बनाए। एम क्वेशिंग की बात करें, लास्ट गेम में 4 ओवर 1 विकेट, उसके पहला गेम जो खेला था वहाँ पे 5 बॉल डाली थी, और ऐसे सिलिन ने लास्ट गेम में 4 ओवर जरूर डाले, लेकिन जीएलए ट्राई करेगा, शुरुआत के 2 गेम बॉलिंग कराई नहीं थी। तो दोस्तों आपके सामने CHN का परफॉर्मेंस है, प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लगभग ही देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इस मैच की टीम की, लेकिन दोस्तों मेरा फाइनल टीम होगा ना टॉस के बाद ही बनेगा, जो कि मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पर ऑलरेडी 23,800 से ज़्यादा लोगों ने हमको ज्वाइन कर रखा है, आप भी जल्दी से जुड़ जाएं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मैच की टीम की। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं डब्लू गोयले के साथ जा रहा हूं, यही मुझे एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे लगे, जो कि ओपन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आप वाइट यहां पे नेंगटन को भी ट्राई कर सकते हो, ये मिडल ऑर्डर खेलते हैं, तो मुझे बेहतर ऑप्शन गोयले ही लगे। बात करें दोस्तों बैटिंग सेक्शन की, ऐसे मैंने 3 प्लेयर लिए हैं, डियान जेंगी मेरे पास है जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, एच लिन ओ हैं ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, और नीचे जाएंगे तो दोस्तों टी आउंग जो कि कैप्टनसी के बहुत अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। बैटिंग थोड़ा सा नीचे करते हैं, लेकिन बॉलिंग 4-4 ओवर की आप इनसे कन्फर्म देखेंगे, और अब तक जो 3 मैच खेले हैं 5 विकेट निकाले हैं, 3 मैच में इनका विकेट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम ऑलराउंडर सेक्शन की, यहाँ से मैंने 4 प्लेयर लिए हैं, टी सेंगकुन इंपॉर्टेंट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, जेट चेन भी इंपॉर्टेंट है, किनाई भी इंपॉर्टेंट है, नीचे चलेंगे तो दोस्तों पी फाओ वाई भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं 4 प्लेयर लेके जा रहा हूँ। के ओकू के ओवर कट रहे हैं, इसलिए मैं इनको नहीं ट्राई कर रहा। बात करें केलिन थू की बात करें, आप इनको जेल में रोटेट कर सकते हैं। बात करें बॉलिंग सेक्शन की, यहाँ दोस्तों मैंने बॉलिंग सेक्शन से पिक किया हुआ है पी डानू को, जो कि मस्टर पिक रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन है। एच लिन ऑंग की बात करें, 76 पॉइंट अब तक दिए हैं, लेकिन सारे मैचेस में उन्होंने 4-4 ओवर पूरे डाले हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो जीएल में जाए कैप्टन वाइस कैप्टन। एच कुंडून बॉलिंग करा नहीं रहे हैं, तो रिस्की रहेंगे, सॉरी जी कुंडून है, एक्स लिखा है तो जी पढ़ेंगे इसको, साइलेंट है कुछ शब्द। नीचे देखेंगे दोस्तों ऐसे एम क्वेचिंग की बात करें, ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि 15% की सिलेक्शन है, 4 ओवर पूरे डालेंगे। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन टीम की फाइनल प्रीव्यू की, दोस्तों कैप्टन मैं करा हुआ है ऐसे थुया आउंग को, वाइस कैप्टन दोस्तों मैं रहने वाले हैं पी फाओ वाई, दोनों ऐसे प्लेयर जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। टी आउंग जो आपको प्लेयर दिख रहे हैं ना, इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहेगा, लोअर मिडल ऑर्डर रहेगा, लेकिन 4 ओवर की आप पूरी बॉलिंग पूरी देखेंगे, जो 3 मैच अब तक हुए हैं 5 विकेट निकाले हैं, सारे मैचेस में उनको कुछ ना कुछ विकेट मिला है, और 4 ओवर के लगभग पूरी बॉलिंग करते हैं, इसलिए कैप्टन है पी फाओ वाई, 3 से 4 ओवर ये भी डाल सकते हैं। इनका बैटिंग ऑर्डर मिडल ऑर्डर पर रहता है, आप थोड़ा सा सेफ जाना चाहें तो कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन मेरे यही CBC हैं। और म्यांमार की टीम, जैसे कि मैंने आपको दोनों टीम को स्कोर कार्ड पर दिखाया था स्टैट्स के साथ साथ, आपको क्लियर पता चल रहा होगा थोड़ा सा एडवांटेज म्यांमार को जरूर है, हालांकि दोनों ही टीम बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेली टूर्नामेंट में, 3-3 मैच खेले हैं, 3 हारे हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज है, इसलिए मैंने 6-5 का कॉम्बिनेशन म्यांमार के फेवर में ट्राई किया है। बहरहाल मेरा स्मॉल लीग का टीम तो अभी यही रहने वाला है, लेकिन इस टीम में मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, तो जो मेरा फाइनल टीम होगा टॉस के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया था टेलीग्राम पर, तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। 23,800 से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी जल्दी से आकर जुड़ जाएं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं टेलीग्राम पर। वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।